के ना पटावे के मत सोचिए लोग का है इम्पोर्टेंट मॉडल का पापी प्रचंड सिंह के मार के ई पूर्वांचल के धरती के पाप से मुक्त करा ही तोहार करता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे के अपकमिंग फिल्म पूर्वांचल की ट्रेलर की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। नाको राखे साइया मार सके ना कोई। काबिल भैया काहे नीचे सुतल हुआ? तू ही मरला वकोहा तो काहे मरला? हम काहे मारब यार, चला उठा। तो दोस्तों इसमें रितेश पांडे अपना जिंदगी में मस्त और व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनको एक दिन पता चलता है कि उनका जिंदगी का कुछ और मकसद है। उनका जिंदगी का मकसद पूर्वांचल को एक खतरनाक विलन से आजाद कराना है, और इसके लिए महादेव ने उनको सुपर पावर भी दिया हुआ है, और रितेश पांडे इस सुपर पावर से बिल्कुल अनजान रहता है। लेकिन जब उनको पता चलता है अपना सुपर पावर के बारे में, तभी से इस फिल्म की कहानी का मेन पॉइंट शुरू होते हैं। तो दोस्तों देखना ये होगा कि कैसे अपना सुपर पावर का उपयोग करके रितेश पांडे पूर्वांचल को उस खतरनाक विलन से आजाद कराते हैं, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। वही दोस्तों इस फिल्म का सबसे मेन पॉइंट ये है, इस फिल्म में कहानी है। दोस्तों बाकी भोजपुरी फिल्मों में मोटा मोटी सेम ही कहानी देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर इस फिल्म में एक्टिंग की, तो दोस्तों इस ट्रेलर में जितना देखने को मिला है वो शानदार है, और उम्मीद करते हैं फिल्म में इससे और बेहतर देखने को मिले। वहीं दोस्तों बात करें अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इसमें रितेश पांडे, यामिनी सिंह, अनूप अरोड़ा, हिना पांडे, वो सेठ जैसे एक्टर इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों चंदन सिंह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, अनिल विश्वकर्मा ने इस फिल्म को लिखा है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर एक लाइन में इस फिल्म का ट्रेलर की रिव्यू करें, दोस्तों ट्रेलर कमाल की है, और उम्मीद करते हैं फिल्म इससे ज्यादा बेहतर हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।